गेम शो डियर मित्रों, आपके अपने यानी कि लाइगर अहमदाबादी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अजय देवगन की मूवी मैदान की तरह एक बार फिर हम मैदान में आ चुके हैं और आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, यानी कि आप समझ ही गए होंगे 7 तारीख को गुजरात में इलेक्शन है और हम चाहते हैं कि गुजरात की पब्लिक इलेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताए कि वो किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और कौन सी पार्टी को केंद्र सरकार में देखना चाहते हैं। काका पहला तो तुम्हारा नाम कही दो। लालजी भाई। काका तमने शू लागे छे अत्यारे आपड़ा प्रधानमंत्री साहेब ना इलेक्शन चाले छे, हवे तमने शू लागे छे प्रधानमंत्री कोण बनशे ने कोनी सरकार आवशे? भાજપની સરકાર આવશે ને નરેન્દ્રભાઈ મોદી વડા પ્રધાન બનશે। કેમ તમને નરેન્દ્રભાઈ મોદી કેમ ગમે છે? અરે કેમ ગમે છે એટલે એનો વિકાસ કહે છે, એનો વિકાસ બોલે છે। મારી વાત સાંભળો, આ આટલા 20-50 વર્ષમાં વિકાસ નહીં કર્યો એટલો વિકાસ બોલે છે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો। ઓકે, એટલે કાકા આમ ઈચ્છે છે કે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પ્રધાનમંત્રી બને। રમેશભાઈ મિસ્ત્રી, રમેશભાઈ આપકો ક્યા લગતા હૈ અભી જો ઇલેક્શન ચલ રહે હૈ દેશ મેં કેન્દ્ર સરકાર કે લિયે તો આપકો ક્યા લગતા હૈ પ્રધાનમંત્રી કોણ બનેગા? રાહુલજી બનેંગે યા નરેન્દ્ર મોદીજી કન્ટિન્યુ કરેંગે? કન્ટિન્યુ નરેન્દ્ર મોદી કરેંગે। ક્યું આપકો એસા લગતા હૈ કે નરેન્દ્ર મોદીજી કન્ટિન્યુ કરેંગે? નરેન્દ્ર મોદી કે કામ અચ્છે હૈ, ઉનકા કામ બોલતા હૈ, 10 વર્ષ કે અંદર બહોત વિકાસ કા કામ કિયા, વિકાસ કા કામ કિયા। જૈસે આપકો ક્યા લગતા હૈ કે મોદીજી ને ક્યા વિકાસ કિયા દેશ મેં? सारे देश के अंदर रोड पुल इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना सारा काम किया है कि पब्लिक भी खुश है और हम चाहते हैं कि अभी 10 वर्ष तक नरेंद्र मोदी और रहे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रमेश भाई ऐसा चाहते हैं कि अगले 10 वर्ष तक नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री हैं। जनता में एक सर हमको और मिले सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। राहिल सिरमान। सर आपको क्या लगता है जैसे कि गुजरात में इलेक्शन चल रहे हैं, 7 मई को इलेक्शन है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देश का प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? राहुल जी को बनना चाहिए या नरेंद्र मोदी जी को रिपीट होना चाहिए? नरेंद्र, बात रही नरेंद्र मोदी जी की, तो हम लोग 2 टर्म से देख ही रहे कि देश का क्या हालात हो चुका है। जो उनके दिए हुए नारे थे वो एक भी सक्सेस हुए नहीं। उनको मौका मिल चुका है, उन्होंने देश के बारे में साबित कर दिया है देश के बारे में कि क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। तो मेरा कहना यह है कि अब किसी नए इंसान को और राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। वो एक एजुकेटेड पर्सन है, पढ़ाई लिखाई करने वाला इंसान है, देश की आर्थिक परिस्थिति जानता है और देश के अर्थतंत्र को ऊंचाइयों पर ले किस तरह ले जाना है वो उसे पता है। तो मेरे मुकाबले नरेंद्र मोदी से बेहतर है कि इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो इस देश का कुछ उद्धार होगा, देश आगे बढ़ेगा और आर्थिक परिस्थिति अच्छी रहेगी देश की। जैसा कि आप लोगों ने सुना, राहुल जी ने बोला है कि नरेंद्र मोदी जी को रिपीट नहीं होना चाहिए, मोदी गांधी जी को बोले देश का प्रधान बनना चाहिए। चलिए अब हम एक और हमारे जो गुजरात की जनता है उनसे पूछते हैं। मैम सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। सपना बेन बारोट। सपना बेन से हम पूछते हैं कि सपना बेन, जैसे आपको पता है अभी देश में इलेक्शन का माहौल है, अपने गुजरात में भी 7 तारीख को इलेक्शन होने वाले, तो आपको क्या लगता है आपके रिगार्डिंग देश का प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। सपना मैम बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को बनना चाहिए, पर नरेंद्र मोदी जी को क्यों बनना चाहिए मैडम आप ये बताइए? क्योंकि नरेंद्र मोदी छे ने तो लेडीज की सुरक्षा छे पहली वस्तु। અને નરેન્દ્ર મોદીના જે અત્યારે હાલમાં છે સત્તા ઉપર, તો અત્યારે આટલું બધું આપણા ભારતમાં જે વિકાસ થયો છે એ બધો વિકાસ એના લીધે જ છે, અને નરેન્દ્ર મોદી આવો જ જોઈએ, અને નરેન્દ્ર મોદી હશે તો ડેવલપિંગ છે ગુજરાતનું। ઓકે, મતલબ સપના મેમ કા કહેના યે હૈ કે દેશ કે પ્રધાનમંત્રી જો હૈ મોદી જી ઉનકો કન્ટિન્યુ કરના ચાહિયે ઓર ઉનકી વજહ સે દેશ મેં જ્યાદા વિકાસ હોગા। સર આપકા નામ બતા દીજીએ। ઋષિક ધારૈયા। रुसिक सर से हम पूछते हैं कि सर आप जैसे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देश में इलेक्शन का माहौल है, उसी तरह गुजरात में भी 7 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं, तो सर आपको क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग देश का प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से पढ़े लिखे इंसान हो, हम सब लोग जानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री या देश को चलाने वाला एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो सभी की प्रयासों को पूरा कर सके, सभी की समस्याओं को समझ सके और उसका सोल्यूशन लाने की कोशिश कर सके। हम जानते हैं कि सब सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है जी, तो मेरे मुताबिक मुझे लग रहा है कि हमें जो भी अभी 7 तारीख को हम जो भी सब लोग जाएंगे वोट देने के लिए, तो हम सोच समझ कर अपना नेता चूज करें। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि इट विल अगेन बिकम अ कॉन्ट्रोवर्सी दैट वी आर प्रमोटिंग समबडी। सो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, सब लोग समझदार है, हर घर में एक इंसान तो होगा जो समझदार पढ़ा लिखा और सब समझता होगा, तो आप सोच समझ के ऐसे इंसान को ही वोट दीजिए जिन्होंने पिछले हम देख सकते हैं कि 10 सालों में 15 सालों में जो प्रगति की है पूरे देश के लिए, तो हम सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में भी अगर थोड़ा सपोर्ट और मिलेगा तो और भी प्रगति हो सकती है। मेरे हिसाब से जो भी नेता है सबसे एक ही निवेदन है, आप पब्लिक की प्रॉब्लम को समझिए, बस अपने वोट को लेके अपनी समस्या का हल सॉल्व करने के बाद पीछे हट मत कीजिए।
सबकी समस्याओं को सॉल्व कीजिए, दैट्स ऑल। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो एक मैम और हमको मिले हैं, अब हम मैम से पूछेंगे। मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में इलेक्शन का माहौल है, 7 तारीख को अपने गुजरात में भी इलेक्शन है, अब आपको क्या लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। मैडम, नरेंद्र मोदी जी को क्यों देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? उन्होंने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने क्या किया है मैम? पूरी दुनिया में भारत को आगे लाया। और इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, देश का विकास, गरीबों को खाना, अनाज, पानी, सभी चीज में आगे है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैम बता रही हैं कि भाई देश का अगला प्रधानमंत्री मोदी जी को ही बनना चाहिए। आपका नाम बताइए। तिलक राम तिवारी नाम है मेरा। तिवारी जी, आप ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? जिस तरीके से सर ने बोला मोदी जी को रिपीट होना चाहिए या तो राहुल गांधी जी को बनना चाहिए, आप बताइए। मेरे हिसाब से सब राहुल गांधी जी को बनना चाहिए। उसका कारण है कि देखो, राहुल गांधी जी युवा है और युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। जिस तरह उन्होंने अभी हाल जो उनके मैनिफेस्टो में युवाओं के बारे में बात करी, जैसे ग्रिक वर्कर्स है, जैसे डिलीवरी बॉय के बारे में बात करी, जैसे पहली नौकरी पक्की के बारे में बात करी, और जिस तरह गुजरात के अंदर पिछले कई सालों से सरकार भारतीय जनता पार्टी की 30 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंदर पेपर फूट के और कोई रास्ता नहीं कर पाई, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है, अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जो पेपर फूटने वाले असामाजिक तत्व हैं उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, तिलक सर चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनना चाहिए। मित्रों, जिस तरीके से आपने देखा, कुछ लोगों ने मोदी जी के पक्ष में बोला और कुछ लोगों ने राहुल गांधी जी के पक्ष में बोला। अब सरकार किसी की भी बने, प्रधानमंत्री कोई भी बने, मैं आप लोगों से इतना मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग वोट डालिए, वोट डालना आपका अधिकार है, वोट आप लोग जरूर डालिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।